करते हैं धर्म नगरी मथुरा की, जहां मथुरा अस्पताल में हुई महिला की मौत में राजनीति भी आड़े आने लगी, क्योंकि दोनों पक्ष एक ही पार्टी से हैं। अस्पताल प्रबंधन बीजेपी का है व मृतिका के पति भी युवा मोर्चा के हैं, इसलिए मामला अधर में लटका हुआ है। जबकि सरकार सख्त होने के बावजूद न्याय के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। 20 सितंबर को गोपी कृष्ण नर्सिंग होम में चिकित्सकों की लापरवाही से महिला की मौत हुई थी। सरकारी अस्पतालों में उचित व्यवस्थाओं के अभाव में जनता प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज करवाती है, और जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो समाज को झकझोर देती है। ऐसी व्यवस्थाओं और लापरवाही के प्रति प्रशासनिक व्यवस्थाओं और मानवीय संवेदनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए यह घटना दुखी परिवार और क्षेत्रीय जनता ने न्याय की मांग करते हुए जनरलगंज चौराहे से होली गेट तक कैंडल मार्च निकाला। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से अस्पताल में भी इस तरह की लापरवाही के लिए डॉक्टर पर कार्यवाही की मांग की है। आपका शुभ नाम? रीना शर्मा। पीड़िता की आप कौन है? पीड़िता की नंदू। आप ये कैंडल मार्च क्यों और किस विषय पर निकाला है? मेरा भाई पीड़ित धीरज शर्मा जी, उसकी पत्नी इलाज कराने गोपी कृष्ण नर्सिंग होम में गई थी। सुबह 10:30 बजे वो वहाँ पे पहुँची है। उसको 5 दिन पहले वो डॉक्टर से मिल के आई थी। वो 5 दिन पहले डॉक्टर साहब से मिल के आई। उसके पेट में बच्चेदानी में थोड़े से कैल्शियम के कण बताए, उसकी सफाई के लिए उसको बोला। वो 10:30 बजे वहाँ पहुँची है। भाई ने उसको भर्ती कराया है। 3 मंजिल तक वो वहाँ चढ़ के ऊपर अपने पैरों से गई है। अगर वो परेशान होती, कोई दिक्कत होती उसको, तो चलने में लड़खड़ाती, बिल्कुल अच्छी चलती हुई गई है। 15 मिनट बाद भी अस्पताल में OT में से भागदौड़ शुरू हो गई है, और उन लोगों ने हमें झांसे में रखा कि उसको हार्ट फेल हो गया है। हमारी शासन से, प्रशासन से अनुरोध है, और डॉक्टर साहब ने हम पे जो उल्टे आरोप लगाए हैं उसके लिए हमारी प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे भाई को जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाया जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। डॉक्टर साहब ने हम पे आरोप लगाया है, लाठी डंडे हथियार लेके हम वहाँ पहुँचे। डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में CCTV है, निष्पक्ष जांच कराई जाए। हम गरीबों को इतना ना सताया जाए। अगर इस तरीके से होगा और हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो हमारी माननीय मोदी जी से, योगी जी से प्रार्थना है कि मुझे और मेरे पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु दी जाए। हमें ये कहना है कि हमें शासन प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। बस हमें इसका न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम यही विनती करते हैं। आप मृतिका के कौन है? आप मृतिका जी? मृतिका के जीजा जी। तो आप क्या शासन प्रशासन से मांग करते हैं? हमें शासन प्रशासन से ये है कि इसकी जांच कराई जाए, इसको जांच कराई जाए, और हमें 2 दिन का आश्वासन दिया था कि 2 दिन के बाद में हम उचित कार्रवाई करेंगे, उसके अलावा भी कोई कार्रवाई करेगी नहीं। और पीड़ित के परिवार को ही दबाया जा रहा है दबावों के द्वारा, और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप दबाव में रहकर राजीनामा करवाइए इनसे, और इस मामले को दबाया जा रहा है। धमकी किसके द्वारा दी जा रही है? जो डॉक्टर साहब के मिले हुए हमसे। फोन से दी जा रही है या किस तरह से? हाँ जी, फोन के जरिए आ रही है। आदमी भेजे गए, आदमी भेज के आदमी के द्वारा दी जा रही है। रोका जा रहा है, हम कहीं जा रहे हैं तो रोक के दिया जा रहा है। राजीनामा का दावा बनाया जा रहा है। हमें 2 दिन से अभी भी उसके खिलाफ हमारे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2 दिन से कार्रवाई, 2 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हम पे ही दबाव बनाया जा रहा है शासन प्रशासन की ओर से। इस बच्ची को हम क्या जवाब दें? इसकी माँ के खिलाफ लेके हम क्या न्याय कर पाए? इसकी माँ नहीं है, कौन सा देगा क्या न्याय? न्याय न मिलने के कारण हमें दबाया जा रहा है। बताओ क्या कर रहे हैं? JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।